डलहौजी में तिब्बती समुदाय ने 64वीं तिब्बती लोकतंत्र दिवस की वर्षगांठ तिब्बती समुदाय हॉल मिडिल बकरोटा में हर्षोल्लास से मनाई। समारोह में एसडीएम अनिल भारद्वाज ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की, जबकि तहसीलदार रमेश कुमार चौहान और इंडो तिब्बतन फ्रेंडशिप सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कैप्टन जी एस ढिल्लों विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह का आगाज मुख्यातिथि गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर परम पावन दलाई लामा के प्रति हार्दिक श्रद्धा एवं कृतज्ञता अर्पित की, जिसके पश्चात तिब्बत की पारंपरिक धरोहर संस्कृति की छटा बिखेरते सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यातिथि ने तिब्बती समुदाय के लोगों को लोकतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं तिब्बती लोकल असेंबली के प्रेसिडेंट फूरबू डमदुल और टीएसओ कैलसंग तेंजिन व तिब्बती समुदाय द्वारा कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों को पवित्र स्कार्फ व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में तिब्बती लोकतंत्र के महत्व और उसकी स्थापना के इतिहास के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के साथ बताया कि इस दिन ने न केवल तिब्बती समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों को उजागर किया, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया कि तिब्बती समुदाय किस प्रकार अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को सहेजने के लिए प्रतिबद्ध है। बहरहाल इस समारोह ने स्थानीय समुदाय को भी तिब्बती लोकतंत्र के प्रति अपने समर्थन और सहयोग को और मजबूत करने का अवसर दिया। लोकतांत्रिक जो तिब्बती लोकतंत्र दिवस है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। जैसे आप सभी को मालूम है, 1960 में जब महामहिम श्री दलाई लामा जी ने जो लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की थी, तब से लेकर 64 वर्ष हो गए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आपका विश्वास है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि आपका समाज और आपकी सोच जो है प्रेम और सद्भावना से ओतप्रोत है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, जहाँ जहाँ भी तानाशाही है वहाँ पर लोगों के अधिकारों का हनन होता है। जो तानाशाही की जो नीतियाँ हैं वो अक्सर दमनकारी होती है, और यही कारण है कि जितने भी जो बड़े बड़े तानाशाह थे या तानाशाहियाँ रही हैं, धीरे धीरे उन सभी का अंत हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हुई है। लोकतंत्र की हमेशा जीत होती है, ऐसा मेरा मानना है। और भारत के साथ जो तिब्बत का संबंध है वो 1960 से शुरू नहीं हुआ या 1959 से स्टार्ट नहीं हुआ, जब महामहिम दलाई लामा जी यहाँ आए। ये बहुत पुराना है। जैसा आप सबको मालूम होगा कि फ्री ट्रेड जो व्यापार होता था, व्यापार तिब्बत के साथ भारत का बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। और हिमाचल में विशेषकर एक जो हमारा रामपुर और किन्नौर का जो इलाका लगता है वो तिब्बत के साथ लगता है,